एक मुसीबत खत्म होती नहीं है, दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है. अभी कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद खुशियाँ वापस लौट आई है कायरा की जिंदगी में, कायरा और आपका मिलन हो गया था, लेकिन अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई है, वो है आपका अरेस्ट होना. हुआ क्या एग्जैक्टली? एक्चुअली जैसे ही पूरे दिवाली का सेलिब्रेशन जो अभी टुमारो में दिखाया है हमने कि दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है, कार्तिक नायरा कायरा साथ में डांस कर रही, पूरी फैमिली दिवाली मना रही है, और उतने में ही वेदिका कॉलिंग लिखा आ रहा है. सो वेदिका इज़ बैक एंड इनटू द लाइव्स, एंड उसमें काफ़ी और ड्रामा अभी होगा और लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स कमिंग अप. बट द थिंग राइट नाउ इज़ जहाँ वेदिका की बेस्ट फ्रेंड जो पल्लवी है, शी इज़ लाइक अ और सिस्टर फिगर, मदर फिगर, सब कुछ वही है, ठीक है. उनके अलावा कोई है नहीं उनकी लाइफ. पल्लवी टेक्स अ स्टैंड फॉर वेदिका कि वो इतने टाइम से गायब थी लेकिन घर वालों ने कुछ पूछताछ नहीं की. शी इज फियरिंग, उन्हें इस बात का डर है कि शायद वेदिका को मार वार ना दिया हो, शायद उनकी किडनेपिंग ना हुई हो, शायद कार्तिक ने कुछ कर ना दिया हो वेदिका को. तो वो एक डर से उन्होंने कार्तिक को फिलहाल अरेस्ट करा. वो जो एक कॉल सुन लेती है, वो रिकॉर्डिंग सुन लेती है जिसपे वो चिल्ला रही है कार्तिक, कार्तिक चिल्ला रही है, बट वो अलग है. वो एक्चुअली कार्तिक को बचाने, कार्तिक से बचने के लिए नहीं, वो आके बचाए इसलिए वो कार्तिक चिल्ला रही है. तो वो गलत फहमी हो गई उन्हें और इसलिए अब हम जेल जा रहे हैं. अच्छा, नायरा पूरी कोशिश कर रही हैं, सब घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए, और उसके लिए ज़रूरी है वेदिका को ढूंढना, क्योंकि जब तक वेदिका नहीं मिलेंगी आपकी इनोसेंस प्रूफ होगी नहीं. तो क्या होने वाला है, नायरा कैसे ढूंढेंगी? फिलहाल तो द होल फैमिली इज जस्ट वरिड के इन्हें ले जाया जा रहा है, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या या बोले क्या. यहाँ जब जा रहे होते तो नायरा नहीं होती साथ, वो मिशन पर निकल चुकी है, मिशन वेदिका इज ऑन. जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं कार्तिक. हाँ, कहीं ना कहीं पूरी फैमिली को लग रहा था कि सब दिवाली खुशी खुश किस्मती से अच्छी हो गई है. अब चाचू इज बैक एंड क्या हुआ था आप? कुछ नहीं यार, बस दर-दर भटक रहे थे हम, फिर दिवाली हुई तो फैमिली ने बीवी के साथ बातचीत चालू थी, तो एक दिन आया था सबसे घर वालों से मिलने को, देखने को, और वहाँ पकड़ा गया. इन लोगों ने सबने पकड़ लिया कि भैया चाचा है, तो मगर लकीली सबने, नायरा ने और कार्तिक ने बोला कि अब यू नो लाइक कि अब चाची ने जब माफ़ कर दिया तो फिर माफ़ कर दिया जाए. तो उस हिसाब से मैं घर में आ गया वापस से आप सबके बीच में, और लेकिन हाँ अब ये मुश्किल हो गई. द फैमिली एक्सेप्ट हिम, कायरव एक्सेप्ट हिज फादर. दिवाली काफ़ी खुश हुई, चाचू वापस आ गए, कार्तिक कायरव का मिलन हुआ, लेकिन फिर होता है ये जहाँ पल्लवी जो है वो कार्तिक को जेल में डलवा देती है. हाँ, आरोप लगाती है, आरोप लगाती है कि एक रिकॉर्डिंग है उनके पास कि वेदिका जो है उनको कुछ तो हो रहा है, वो कार्तिक कार्तिक चिल्लाए जा रहे हैं. सो देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि वो क्यों कार्तिक चिल्ला रही है, और उस बात पे हमें जेल में, और सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे ये पूरा वो है कि लेकिन यू नो लाइक गोइंग हाउस को परेशानी पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन हम लोग डट के मुकाबला करते हैं. द फैमिली इज हियर टू सपोर्ट कार्तिक. एंड जेल में आने के बाद और एक चीज पता पड़ी है, उससे और ज्यादा स्ट्रेस हो गए हैं क्योंकि कायरव बीमार हैं, तो जेल के साथ साथ वो और अजी एक इंट्यूशन होता है कि कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि शायद बच्चे के साथ कुछ हुआ हो. जब इससे पहले समर चाचू आते हैं और वो बताते हैं कि नहीं कायरव ठीक है, और जब वो पता चलता है एक रिलीफ होती है कि चलो ठीक है कायरव ठीक है, लेकिन हालत उसकी नाजुक ही है ना, हालत अभी भी नाजुक है, ही इज फीलिंग बेटर नाउ. उन्हें एंजाइटी अटैक हुआ था जो बच्चा है उसे, बिकॉज ही हैड अ हार्ट अ होल इन हिज हार्ट इन हिज होल लेकिन चाचू से उन्हें एक अभी अभी न्यूज पता चली है, तो थैंक यू फॉर दैट. क्या न्यूज है? सब सही है एंड बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास है एंड तीनों साथ में है, और नायरा गया. वो हमें सामने पता चला ना एकदम, तो मैं तो छुपा रहा था. यस,
मैं फिर भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तो चाचू नहीं बता रहे होते, लेकिन हमें पता चल जाता है कि जो नायरा है वो गायब है, और कायरव को लुक आफ्टर के लिए नायरा वहाँ नहीं है और नायरा घर पर भी नहीं है. सो शी इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री कि क्या है, कैसे ये वेदिका की आवाज़ आई थी वो पल्लवी के फ़ोन में, वो क्यों कार्तिक कार्तिक चिल्ला रही थी और कार्तिक क्यों जेल में है. थैंक यू. रोल अच्छा ठीक है, पूछने तो दो रोल कर. अच्छा तो आज दिवाली का बहुत तामझाम है और बहुत बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या कर रहे हैं कायरव और वंश दिवाली में? आज मैं वेदिका दीदी का दिया बुझाता हूँ और मम्मा पापा का पास मिलाता हूँ. ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मा पापा मुझे चाहिए कि मम्मा पापा साथ में उनका नाम आए, और मैं चाहता हूँ कि वेदिका दीदी मेरे साथ रहे, इसलिए मैं अपना जो दिया होता है मैं अपने हाथ में रख के दोनों जगह ऐसे करके मिक्स कर देता हूँ ताकि वेदिका दीदी और मैं साथ रहें, और फिर मैं सबको मिक्सअप कर देता हूँ और साथ में कर देता हूँ, सबको मिक्सअप करके मैं साथ में कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि पूरी फैमिली साथ में रहे. फिर मैं मम्मी पापा का चाहता हूँ, फिर वेदिका दीदी का बीच में होते मैं उनका उसका कैंडल बुझा के मम्मा पापा का पास कर देता हूँ. अच्छा, और डांस काफी डांस वांस भी चलता है दोनों साथ में? बहुत ज़्यादा. क्या डांस कर रहे हैं? लेकिन अभी जो हमारा डांस चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं उस बॉक्स में है, वो जो बॉक्स ऊपर दिख रहा है ना लैमटेन, आपको लैमटेन है ना, उसके अंदर मैं आया था. अच्छा, पापा को सरप्राइज देने के लिए. अच्छा, तो आपने फाइनली पापा को माफ कर दिया? पापा से पैसा अभी तक उसने तो माफ बताओ कह रहा मैंने अभी उनको माफ कर दिया है, अब वो मेरी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं. अच्छा, अब आप पापा से गुस्सा नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप पूरा बोलो ना, पापा से गुस्सा नहीं हो, क्यों गुस्सा नहीं? मैं पापा से बिल्कुल बिल्कुल अब तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ. थैंक यू.